हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, बहुत ही खराब लग रहा है, मैं कलकत्ता से बैक कर लिया, लेकिन कलकत्ता से मैं आप लोगों के लिए एक नया नूडल्स ढूंढ के लाए। मैं कलकत्ता में एक्रोपोलिस में गए थे, उधर भी जाके आप लोगों के लिए मैं नूडल्स ढूंढ के लाए। उसमें से एक नॉन वेजिटेरियन के लिए मुझे चिकन नूडल्स मिला, मैगी का, जो नेस्ले कंपनी का है। सॉरी फ्रेंड्स, जिन लोग वेजिटेरियन है उन लोग नहीं ले सकते हैं ऑब्वियसली, और जिन लोग नॉन वेजिटेरियन है उसके लिए आज मैंने ये मैगी चिकन नूडल्स का रिव्यू करेंगे। इसका वेट है 71 ग्राम का है और इसका प्राइस 15 रुपीज़ है, बहुत ही कम है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज ये चिकन नूडल्स हम लोग रिव्यू करके देखता है इसका टेस्ट कैसा है। अरे हाँ, ऑब्वियसली इसमें मैं कुछ नहीं मिलाएंगे, एज यूजुअल सिर्फ इसका ही जो मसाला है उसी मसाला से इसका टेस्ट करेंगे। तो आइए इसका बनाना स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल मैंने इसको नॉर्मल ऐसे ही पानी दिया। इसमें कोई टुकड़ा नहीं है, ये बात अच्छा है, एकदम लंबे लंबे है। मैंने इसको दो टुकड़ा कर लेती हूँ। इसका ये मसाला है फ्रेंड्स, ये मसाला मैंने थोड़ा मुंह में लग के देखा, इसका टेस्ट पूरा ही अलग ही है। एक हो सकता है ये नॉन वेज बोल के इसका टेस्ट पूरा अलग है, देखता है बनाने के बाद इसका टेस्ट कैसे होता है। फ्रेंड्स, इसको मैंने हिलाया नहीं है दो मिनट के लिए, लेकिन इसको नीचे लगने वाला था। हाँ देखिए फ्रेंड्स, इसको नहीं हिलाएंगे ना तो नीचे कोई भी नूडल्स ऐसे नीचे लग नहीं जाता है। इसमें देखिए स्टिक हो रहा है पैन के अंदर, ये देखिए स्टिक हो गया। तो मतलब इसको कंटिन्यू आपको हिलाना बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड्स, हमारा मैगी चिकन नूडल्स तैयार हो गया, आप लोग देखिए। लेकिन मैंने बनाने के टाइम भी आप लोगों को बोला है जे ये थोड़ा स्टिकी है, आप देख सकते हैं इसका, देखिए कैसे स्टिकी स्टिकी है। इसलिए कढ़ाई में ये लग रहा था, तवा में चिपक रहा था, ये मैंने भी देखा हाथ लेके, ये देखिए स्टिकी बहुत है, जैसे हम लोग चाशनी का तार देखता है ना, कितने तार है ऐसे स्टिकी है देखिए। तो इसलिए ये कढ़ाई में बार बार स्टिक कर रहा था, इसलिए जब भी इसको बनाना है आप इसको कंटिन्यू हिलाते रहिए। अब इसको टेस्ट करके मैं बताती हूँ इसका टेस्ट कैसे है। लेकिन हाँ, इसका नूडल्स कोई टुकड़ा टुकड़ा नहीं है, बहुत ही लंबे लंबे अच्छे ही है। इसका बहुत ही गर्म होना फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। एक तो इतना गर्मी है, ऊपर से ये गर्म है। फ्रेंड्स, मजा आ गया, अच्छा मतलब भले चिकन दिखते नहीं है, मुझे लगता है ये नूडल्स के साथ ही चिकन पेस्ट करके दिया हुआ है मसाला के साथ। इसका स्मेल आ रहा है, टेस्ट इतना बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इसका स्पेशल कुछ स्मेल नहीं आ रहा है। हाँ, जब भी उबल रहा था तभी एक हल्का सा चिकन जैसा स्मेल आ रहा था, इसके अलावा कोई अलग मसाला का कुछ स्मेल नहीं है। और थोड़े बहुत इसका रेड आई थिंक सो इसका चिली फ्लेक्स हो सकता है और ब्लैक पेपर भी हो सकता है, दोनों ही है। टेस्ट तो फ्रेंड्स अच्छा ही है, बुरा नहीं बोल सकते मैंने। आप लोग रात को डिनर में भी ये मैगी ले सकते हैं। मेरे लिए इसका 0.7 है, 7 इसका बराबर है।
फ्रेंड्स पहले भी बोला है आप लोगों को, मैंने तो 7 पॉइंट दे दिया, मेरा टेस्ट आप लोगों को बता दिया, मैंने इसको रिव्यू भी कर दिया। प्लीज़ आप लोग खा के बोलिए आप लोगों को कैसे लगा है। और इतने सारे नूडल्स का जो आप लोगों को जानकारी दे रही हो, उसके लिए आप लोगों को कौन सा नूडल्स आप चूज़ कर रहे हो, इस प्लीज़ कॉमेंट्स में बताइए। आज के लिए इतना, फिर से मैं लेके आया कलकत्ता से बहुत सारे नूडल्स आप लोगों के साथ शेयर करना। फिर मिलेंगे आज, बाय।